कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत देश में क्यों बेच रहे हो, हमें ये ऑब्जेक्शन है। आप लोगों को पता होगा कमलेश तिवारी नामक एक हिंदू था, उत्तर प्रदेश में हिंदू का कार्यकर्ता था, उसका गला काट के मार दिया। उत्तर प्रदेश में और भी कई हिंदू है जो हिंदू का कार्य करते थे, उनको मार दिया। केरला में हिंदू के प्रति कार्य करने वालों को मार दिए, बंगाल में हिंदू के प्रति कार्य करने वालों को मार दिए। मारने वाले कौन? जिहादी, आतंकवादी। और यही आतंकवादियों को फाइनेंशियली, फिजिकली, एडवोकेट, बड़े बड़े एडवोकेट खड़े करने वाले यही है, हलाल सर्टिफिकेट बेचने वाले, जो पैसा आप लोग इनको दे रहे मेरे भाइयों। इसलिए भविष्य में एक बात ध्यान रखो, अगर आप टीवी खरीदो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, थोड़ा उसको पलटा कर देख लेना, उस पर एक सिंबल दिखेगा आपको छोटा सा, हलाल सर्टिफिकेट। इसलिए आपको पता चल जाएगा जिस चीज पर अगर वो सर्टिफिकेट रहे, उस चीज का बहिष्कार करो और दुकानदार को कह देना कि ये आतंकवादियों को पैसा जाने वाला है प्रोडक्ट हम खरीदेंगे नहीं, हलाल का बहिष्कार करेंगे, भारत देश से हलाल को उखाड़ फेंकेंगे। इसीलिए हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र ऐसे लोगों को रोकने के लिए। मेरे भाइयों, बहुत सारा षड्यंत्र चल रहा है आज हमारे पूरे तेलंगाना ही नहीं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा टैक्स बनने वाला कौन है? सबसे बड़ा टैक्स बनने वाला कौन है? तेलंगाना में सबसे ज्यादा टैक्स बनने वाला कौन है? लेकिन ये ओल्ड सिटी में कुछ गद्दार है, कहते कि नल भी नहीं बनना, टैक्स नहीं बनना, कुछ भी नहीं बनना, कुछ भी हुआ तो हम देख लेंगे। यानी टैक्स हम भरना और विकास इनके एरिए में, और ये लोग तो हमारे कानून को भी नहीं मानते, इनके लिए अलग कानून चाहिए। तो अब मैं डिमांड करता हूं हमारे लिए भी एक अलग कानून का निर्माण हो जाए। जब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड हो सकता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो सकता है, तो 100 करोड़ हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड क्यों नहीं? मैं आज पूछना चाहता हूं, हिंदू पर्सनल लॉ क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूं। आज हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को जितने लोग ट्विटर, फेसबुक, इतने लोगों के अकाउंट है, सब में डालो, पोस्ट करो कि जब वो लोग इस प्रकार से फायदा उठा सकते हैं, हमें भी सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। आज हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर हो, वैष्णो देवी हो, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, करोड़ों अरबों रुपयों का सोना वेस्ट पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है। हमें एक ऐसे लॉ की आवश्यकता है, जितना भी मंदिर में हिंदुओं का पैसा जमा होगा, वो हिंदू के कार्य के लिए खर्च हो पैसा, गुरुकुलों के निर्माण में खर्च हो वो पैसा। जो भी कार्यकर्ता गौ रक्षा के लिए लड़ता है, तो ये सेकुलर हमारे भाई बंधु पुलिस अगर वो कार्यकर्ता को जेल में डालते हैं, उस कार्यकर्ता की सुरक्षा के लिए चाहिए हमें वो पैसा। अरे आज हमारे लिए एक कानून और उनके लिए एक कानून, ये तो नहीं चलेगा। चलेगा क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ही दिन पहले ये बड़ा बुलडॉग छोटा बुलडॉग है ओल्ड सिटी में। बड़ा बुलडॉग कहता है कि हमारा मुगलों से कोई रास, कोई संबंध नहीं है, और छोटा बुलडॉग कहता है कि औरंगजेब हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के सज्जे हैं, और हमने 800 साल राज किया भारत पर, हमने चार मीनार बनाया, हमने कुतुब मीनार बनाया, हमने ताजमहल बनाया, हमने फलाना बनाया, हमने ढींगा बनाया। अबे सही, तुम पैजामा नहीं बना सकते? आज जितना भी निर्माण हुआ है, जो प्राचीन चीज है, वो हम हिंदुओं की है, वे तुम्हारे बाप की नहीं है।
एक ऐसे ही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में रहकर योगी जी के राज में रहकर मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। बाबा के बारे में शायद वो भुट्टे ने देखा नहीं, और वो भुट्टा कहता है कि अगर हिंदू हिंदू राष्ट्र की डिमांड करेगा तो मुसलमान भी मुसलमान राष्ट्र की बात करेगा। तो मैं योगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, योगी जी आप भी हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए संकल्प लिए सो संत है, आपका भी आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो जरा एक भुट्टे का हालचाल पूछ ले, जरा इनके घर भी बुलडोजर भेज दे, या नहीं तो दो गज की जमीन के अंदर दफना है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र हर हिंदू का सपना है और हमारा संकल्प है, और जो भी हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम शांत नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों, बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी एक संत है, उनको कोई जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। ऐसे हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े संत हैं, उनको इतने बड़े बड़े आश्रम हैं और इतना पैसा आता है, वो बैठकर आराम से हिंदू की सेवा कर सकते, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, मेरा भारत देश को ये लोग जिहादी खोखला कर रहे हैं, ये धर्मांतरण करने वाले खोखला कर रहे हैं मेरे भारत देश को, अब हमें आवाज उठाना है। बोलकर सारे साधु संत आज खड़े हो गए मेरे भाइयों, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए संकल्प ले रहे हैं, और जहां जहां महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वहां वहां पर उनके ऊपर FIR हो रहा है। राजस्थान में उनके ऊपर FIR हो गया, दूसरे दूसरे राज्य में उनके ऊपर FIR हो गया। मैं महाराज जी को कहना चाहूंगा, महाराज जी आपका जो संकल्प है वो पूरे भारत के हिंदू का संकल्प है, और पूरा हिंदू आज महाराज जी के साथ है। जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, हिंदू की बात करेगा, हिंदू उसके साथ खड़ा रहे, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, पॉलिटिक्स अलग है और हिंदू का कार्य अलग है। अगर आप पॉलिटिक्स में आओगे तो गुलाम बन जाओगे, आप लोग पॉलिटिक्स में मत आओ, लेकिन ऐसे नेताओं को खड़ा करो जो हिंदू की आवाज उठाए, जो हिंदू के प्रति आवाज उठाए, हिंदू के लिए लड़े, ऐसे नेताओं को तैयार करो। एक राजा सिंह से कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाइयों, एक राजा सिंह से कुछ होने वाला नहीं है। मेरा संकल्प है, मेरे सामने जितने भी जो हिंदू भाई बंधु आज खड़े हुए हैं ना, हर वो मेरा हिंदू भाई छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप, संभाजी महाराज का रूप में, ये मेरा संकल्प है मेरे भाई। चेतन भैया बता रहे थे ना कि हमने हमारा जीवन अर्पित कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, पिछले बार भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरा एक दुश्मन नहीं है, बाहर का भी दुश्मन है, घर का भी दुश्मन है। घर का जो दुश्मन है ना, वो सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म के कारण ही पूरा देश सर्वनाश हुआ मेरे भाई। इसलिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, चाहे हम रहे या ना रहे, ये रामनवमी रहनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र का संकल्प रहना चाहिए। आने वाला समय ठीक नहीं है मेरे भाइयों, आने वाला समय केवल युद्ध और युद्ध और युद्ध का समय है। युद्ध किससे करना है? क्योंकि 2025 और 26 के अंदर ही भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, ये आवाज पूरे भारत में गूंजेगी।